प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज का जो मेडिटेशन है ये 88 पोर्टल पर आपके सारे जो ब्लॉकेजेस हैं उसे रिमूव करेगा, साथ में आपकी जो पावर है जो अनलॉक नहीं हुई है उस पावर को अनलॉक करेगा, साथ में आपकी टॉक्सिक एनर्जी को रिमूव करेगा एंड आपको एक हायर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस मेडिटेशन को आपको आज से ही अगले 11 दिन या 21 दिन करना है कंटिन्यू। और इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई आराम सी जगह लें, आरामदायक, जहाँ पे आपको ज़्यादा शोर शराबा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। आराम से बैठ के लेट के अपने आप को कंफर्टेबल करें, गहरी सांसें लें। ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि जब आप ब्रीदिंग इन कर रहे हो तो आपका टमी बाहर आना चाहिए। और फिर थोड़ा सा पोज ले और उसके बाद फिर ब्रीदिंग को रिलीज़ करें, आउट करें और थोड़ा सा पोज लें, वापस से फिर ब्रीदिंग इन करें, टमी बाहर आना चाहिए, और धीरे धीरे थोड़ा सा पोज लें, फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग को रिलीज़ करें और अपने आप को रिलैक्स करें, प्रॉपर रिलैक्स करें। अब आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएं, बहुत डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। सारी एनर्जी जो आपको हैवी फील करा रही है या आपके अंदर कोई टॉक्सिक एनर्जी है, उस सभी एनर्जी को अपने ब्रीदिंग के थ्रू रिलीज़ कर दें और नई एनर्जियों को फिर ब्रीदिंग के थ्रू रिसीव करें। थोड़ा सा रुकें और फिर रिलीज़ करें। ब्रीदिंग इन करें और ब्रीदिंग आउट करें। कुछ देर तक कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग करते रहें, सिर्फ करते रहें, और अपनी हर एक सांस को फुल अवेयरनेस के साथ देखते रहें। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। हर आती जाती सांस आपके शरीर को स्थिर कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। बॉडी में कहीं भी आपको हैवी फील हो रहा है या कोई इशू है, वो सब कुछ धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। बॉडी से अपना कंट्रोल छोड़ दें और अपने आप को प्रॉपर रिलैक्स होने दें। साथ ही साथ में आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा है, आपका माइंड भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, आपका माइंड भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। सारे थॉट, ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजिंग, सब कुछ आपके क्राउन चक्रा से बाहर रिमूव हो रहा है और आप हर एक
ब्रीदिंग के इन और आउट के साथ साथ आपका ना केवल बॉडी बल्कि आपका मन पूरी तरह से पानी की तरह शांत और स्थिर हो रहा है। आप धीरे धीरे शून्य की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे साइलेंट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अपनी ब्रीदिंग पर पूरा ध्यान बनाए रखें। आती और जाती इन अनमोल सांसों को देखते रहें, बस देखते रहें। और कुछ देर के लिए अपने आसपास में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी शोर शराबा, पशु पक्षी, कोई भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, शांत होकर के सुनते रहें। सिर्फ एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए अपने आप को इस पूरी नेचर के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को शांत करें, पूरी तरह से अपने आप को नेचर एंड यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दें। बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और धीरे धीरे आप अपना फोकस थर्ड आई या क्राउन या फिर नाभि पे कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने फोकस को लेके जाएं और स्टेप बाय स्टेप अपनी ही ऊर्जा में, अपनी ही पावर में डीप उतरते ही जाएं, उतरते जाएं बहुत गहराई में, बहुत सोल की डेप्थ में उतरते जाएं और उतरते जाएं। इसके बाद मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊंगी और आपके सामने कुछ म्यूजिक आएगा। उस म्यूजिक को सुनते रहना है और अपने आप को प्रॉपर यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देना है और अपने हार्ट को पूरी तरह से ओपन कर लें आपकी अपनी पावर को रिसीव करने के लिए, आपको अपने यूनियन को रिसीव करने के लिए, जो कुछ भी आपकी विश है उसे रिसीव करने के लिए। बिल्कुल निश्चिंत और हैप्पी हो जाएं और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस म्यूजिक को एंजॉय करना है और इस म्यूजिक के साथ साथ में अपनी सोल की डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम उतरते जाना है। अब कुछ ही देर में म्यूजिक शुरू होने वाला है, तब तक आप अपने आप को सांसों पर फोकस करें। इस बीच में अगर कोई थॉट क्रिएट होता है कुछ भी, तो वापस से अपने सांसों पे लौटना है और घबराना बिल्कुल नहीं है।
हूँ।